नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डे के न्यूज चैनल सच का साथ। सुबह की खबर पिहोवा हरियाणा से आ रही है। यूएसए से आए पत्रकार नरेंद्र जोशी पिहोवा प्रेस एसोसिएशन के साथियों के साथ मिलने पहुंचे। देखिए हमारी रिपोर्ट। पिहोवा में प्रेस एसोसिएशन के पत्रकार साथियों से मिलने अमेरिका से पत्रकार नरेंद्र जोशी पहुंचे। पिहोवा प्रेस एसोसिएशन के सभी पत्रकारों ने नरेंद्र जोशी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। पत्रकार साथियों से बातचीत के दौरान बताया कि भारत और अमेरिका में पत्रकारी करने का क्या अंतर है। अफगानिस्तान में आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर शहीद किए पत्रकार की मौत पर दुख प्रकट करते हुए नरेंद्र जोशी का कहना है कि पत्रकार निडरता से लोगों की आवाज उठाते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आवाज दबाने के लिए जान से मारकर शहीद कर दिया जाता है, जो कि बरसों से होता आ रहा है, लेकिन पत्रकार अपना काम निडरता से सदा करते रहे हैं। यहाँ की जो मीडिया है वो ईमानदारी से काम करती है, उसको करने नहीं दिया जाता। इंडिया में मीडिया को, कर्मचारी को, मीडिया के जो हमारे अपने पत्रकार साथी हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अमेरिका से 50 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो न्यूज़ को पब्लिश करते हैं। लेकिन अमेरिका में सारा कुछ प्रॉपर चैनल से है, कोई पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए पिहोवा मेरे जो है पहले भी आना जाना लगा रखता था पिहोवा में, और आज मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं अपने भाइयों को सबको यहाँ मिला हूँ, और बहुत ही इन्होंने प्यार दिया मेरे को, जो एक एहसान बन जाता है आउट ऑफ कंट्री जाके कि आपको इंडिया में आपके पुराने साथी आदमी याद करते हैं। और मैं तो विदेश में हूँ, मुझे तो एक एक पल की याद रहती है, याद आती है। सबसे पहले तो हिंदी की याद आती है, अपने जन्म मातृभूमि की तो आनी है, जहाँ आपका जन्म हुआ वो तो होता ही है, लेकिन सबसे पहले विदेश से जो आता है वो अपनी मातृभाषा हिंदी, उसमें जब बात करता है तो एक अलग ही उसका मज़ा है। काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ काम करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो मीडिया है वो ईमानदारी से काम करती है, उसको करने नहीं दिया जाता, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं। ओके, कोई किसी जगह इंसिडेंट हो जाता है तो आपको वहाँ जाने आने का खर्चा, ये वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंडिया में मीडिया को, कर्मचारी को, मीडिया के जो हमारे अपने पत्रकार साथी हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अमेरिका से 50 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो न्यूज़ को पब्लिश करते हैं। लेकिन अमेरिका में सारा कुछ प्रॉपर चैनल से है, कोई पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी की भी, फ्री ऑफ माइंड मीडिया है। कोशिश इंडिया में भी नहीं होती, लेकिन कोई दबाव कई बार ऐसा पड़ जाता है। दबाव का मतलब है कोई गुंडे हैं, मवाली हैं, लुटेरे हैं, वो एक पत्रकार को ये समझ के धमकाने की कोशिश करते हैं कि ये अकेला क्या कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जमाना बदल गया, ये हमारे टाइम की बातें हुआ करती थी, ये सब उस टाइम हुआ करता था कि भी एक पत्रकार को दबा लिया, किसी पॉलिटिशियन ने दबा लिया या किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति ने दबा के रख लिया उसको। लेकिन आज का जो है इंडिया का मीडिया बहुत तेज है, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन आज की डेट में है कि भी ऐसे पत्रकार को दबाया जा सकता है। पत्रकार पहले भी निडर थे और आज भी निडर हैं, कलम में बहुत ताकत है और पत्रकारों को पता है कि हम क्या करें। तो मतलब है कि जिसने पत्रकारों को बहुत भारी नुकसान हुआ है इसका, लेकिन सभी को पता है कि मीडिया कभी किसी से डरता नहीं है। उग्रवाद को मीडिया ने ख़त्म करना है और मीडिया का सहयोग है इसको ख़त्म करने के लिए, तो ये बहुत दुखद बात है कि भी उसकी जो शहीद हुआ है हमारा भाई, हमारा पत्रकार साथी, तो मैं इस में जो है उनके परिवार को कहता हूँ कि भी क्या कर सकते हैं इसमें। आप जो है देश के लिए शहीद हुए हैं, जैसे फौजी होता है ऐसे ही एक पत्रकार होता है, तो इसको शहादत के, इसको शहीदी को प्रणाम करें। परिवार के लोग तो करेंगे ही, और हम सारे मीडिया जो है भारत का और अमेरिका में जो हमारे इंडिया के यार दोस्त, हमारे भाई बहनें जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी मैं जो है इसकी बहुत निंदा करता हूँ जो उग्रवादियों ने यह सब कुछ किया है। और
भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा ऐसी हादसा ऐसा हमारे पास किसी भी पत्रकार मीडिया के भाई के साथ ना हो।